दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आपकी नई भर्ती आ चुकी है। कितने पदों पर दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है? 3578 पदों पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जिला पुलिस की भर्ती आ गई है। लेकिन आपको दोस्तों सबको ये भी पता होगा कि पहले क्या होता आया था, पहले पेपर पहले होता था और जो बच्चे पेपर में पास होते थे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब की बार दोस्तों नया नियम है वो लागू कर दिया है कि पहले फिजिकल होगा उसके बाद में पेपर होगा। तो आज उसी मुद्दे पे दोस्तों बात करने वाले हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म कितनी तारीख से अप्लाई होने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन कब आ रहा है और सबसे बड़ी बात है सब कुछ मैं आपको दोस्तों इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फिजिकल के लिए किस किस को बुलाया जाएगा। सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि पहले फिजिकल होगा तो फिजिकल के लिए किस किस को बुलाया जाएगा, तो आज उसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। फिजिकल के बारे में सब कुछ नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो फिजिकल में कितने नंबर वाले बच्चे को, सीईटी में कितने नंबर वाले बच्चे को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके कितने नंबर है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फिजिकल के बारे में पूरा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि कितनी यहाँ पर रनिंग होती है, हाइट कितनी चाहिए, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो पूरी जरूर देखना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो वैकेंसी निकल के आई है वो वैकेंसी निकल के आई है 3578 पदों पर। और दोस्तों बहुत दिन से बेवकूफ बनाते आ रहे थे बड़े बड़े टीचर हैं, वो ऐसे इसलिए बोल रहे थे कि 9000 पदों पर आएगी, 10000 पदों पर आएगी कि ज्यादा से ज्यादा उनके कोर्स बिक सके। यदि वो ऐसे बोल देंगे 3-4 हजार पदों पर भर्ती आएगी तो उनका कोर्स है वो कोई नहीं खरीद सकता, इसलिए वो झूठ बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा बम्पर पदों पर भर्ती आएगी। लेकिन मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि पिछली बार बजट में उन्होंने 8000 पदों की घोषणा करी थी जिसमें से लगभग 4500 पद पहले निकल गए थे और लगभग 3500 पदों पर भर्ती आएगी। मैंने पहले बहुत दिन से बोलता आ रहा हूँ, तो वो ये दोस्तों 3578 पदों पर आपकी भर्ती आई है। इसका अलावा दोस्तों फिजिकल में कितने नंबर वाले बच्चे हैं वो फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और कितने नंबर वाले को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों फिजिकल के लिए सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी का 15 गुना विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, लगभग 53000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो वो कौन होंगे 53000, उसकी बाद में करने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी सी दोस्तों फिजिकल के बारे में बता देता हूं। यदि इनमें से आपकी कुछ भी कमी है तो अभी आपके पास समय, आप रनिंग कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यदि आपकी हाइट कम है तो आप पुलिस का सपना छोड़ दो और किसी वैकेंसी की तैयारी में लग जाओ। तो मैं आपका एक एक डाउट फिजिकल का कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद में चलेंगे कि किस किस को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, पूरा आज इस वीडियो में मिलने वाला है, तो पूरी जरूर देखना। तो दोस्तों फिजिकल के बारे में आपको बता दूं, 5 किलोमीटर आपकी दौड़ होगी, 25 मिनट का समय मिलेगा। ये दोस्तों मेल कैटेगरी में, ठीक है, पुरुषों की बता रहा हूं मैं आपको, 5 किलोमीटर दौड़ होगी, 25 मिनट का आपको समय मिलने वाला है मेल कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी में दोस्तों वही 5 किलोमीटर की दौड़ होगी लेकिन 35 मिनट का समय मिलेगा फीमेलों को। मेल को तो मिलेगा 25 मिनट का समय, फीमेल को मिलेगा 35 मिनट का समय। इसके अलावा दोस्तों हाइट को लेकर ज्यादातर के डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। मेल कैटेगरी में दोस्तों जो हाइट चाहिए वो 168 सेंटीमीटर चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फीमेल कैटेगरी की जो हाइट चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 152 सेंटीमीटर चाहिए। इसके अलावा बहुत का डाउट ये भी आएगा, क्या एससी एसटी को हाइट में छूट मिलती है या नहीं मिलती? तो दोस्तों नोटिफिकेशन में जो लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है कि यदि एससी और एसटी के बच्चे कम पढ़ते हैं फिजिकल में तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। लेकिन दोस्तों छूट किसी को नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि फिजिकल में बच्चे कम पढ़ते नहीं है और छूट है वो मिलती नहीं है। तो हाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया, छूट के बारे में बता दिया। इसके अलावा दोस्तों चेस्ट, मेल कैटेगरी में जो चेस्ट होनी चाहिए आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो गया आपको कितनी चाहिए, 86 सेंटीमीटर चाहिए। तो 81 से 86 सेंटीमीटर है वो आपको चेस्ट चाहिए। तो फिजिकल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, यदि ये सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आप सही हो तो आप बिल्कुल पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लग सकते हो। फिजिकल के बारे में सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अगला नंबर आएगा दोस्तों पद कितने रखे गए हैं, 3578 पद रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म कितनी तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है वो तैयार किया जा रहा है, तो इसी महीने के अंत में आपका नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा और अगले महीने के फर्स्ट तक आपसे फॉर्म भी भरवा लिए जाएंगे पुलिस कांस्टेबल के। अगला डाउट आएगा, वो डाउट ये आएगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या 15 गुना विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं या सीटी में जो भी बच्चे थे सभी फॉर्म भर सकते हैं? ऐसा नहीं है दोस्त, यदि आपके सीटी के अंदर ग्रेजुएशन सीटी नहीं 12th लेवल सिटी के अंदर आपके 40% नंबर बन रहे हैं तभी आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हो।
अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये तो मैंने फॉर्म का क्राइटेरिया बता दिया, कितना 40% वाले फॉर्म में वो डाल सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 40% जिनके भी बन रहे हैं उन सभी को फिजिकल के लिए नहीं बुलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जितने भी फॉर्म आएंगे उनके वैकेंसी का 15 गुना विद्यार्थियों को वहां से उठाएंगे। लगभग 53,000 बच्चों का ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर फिजिकल के लिए किसको बुलाएंगे? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 15 गुना को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लगभग 53,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कितने को? 53,000 को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब ये 53,000 में कौन कौन शामिल हो सकता है उस मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फॉर्म तो आपको सबको भरना है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जिनके भी 40% नंबर बन रहे हैं, मतलब कि 120 नंबर बन रहे हैं, तो उन सभी को फॉर्म तो डालना है। लेकिन दोस्तों फिजिकल के लिए आपको किस किस को बुलाया जा सकता है तो मैं आपको बता दूं, यदि आपके दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी मेल कैटेगरी में यदि आपके 150 नंबर बन रहे हैं, कितने में से? 300 में से 150 से ज्यादा नंबर बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। क्या इतनी ज्यादा रहने वाली है? भाई साहब इतनी तो रहने वाली है। क्यों? क्योंकि पद यहाँ पर बहुत कम है, तो 150 से तो ज्यादा रहने वाली है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी मेल कैटेगरी की। इसके अलावा एससी एसटी को मैं आपको बता दूं, 145 के आसपास यदि आपके बन रहे हैं एससी एसटी मेल कैटेगरी, 145 से ज्यादा, तब भी आपको फिजिकल की तैयारी तो शुरू कर देनी चाहिए। अब बहुत का डाउट ये आएगा कि इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी, बहुत का डाउट ये आएगा कि इतनी कम कट ऑफ है वो नहीं रहेगी। तो कम वालों को तो मैंने आपको बता दिया है, पद बहुत कम है, तो फॉर्म तो आप डाल सकते हो, लेकिन सिर्फ 53,000 व्यक्तियों को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। सभी को दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा, 53,000 को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो मैंने आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया। इसके अलावा फीमेल के कट ऑफ थोड़ी सी कम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि सीटी के अंदर फीमेल के थोड़े बहुत कम नंबर बन रहे हैं, तो जो भी मैंने आपको मेल की बताई है इसमें से 3 से 4 नंबर यदि आपके कम भी बन रहे हैं फीमेल कैटेगरी में, उनको भी फिजिकल की तैयारी तो करनी चाहिए। अब बहुत का डाउट ये आएगा कि यदि इतने नंबर पे हमको फिजिकल के लिए कॉल नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे? तो दोस्तों आप यदि फिजिकल की तैयारी कर लेते हो और आपको फिजिकल के लिए नहीं भी बुलाया जाता तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, 1 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आपकी रनिंग वहां पर काम आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो मैंने आपका एक एक डाउट है वो क्लियर कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों सरकार ने ये क्या सही किया है, 15 गुना ये गलत किया है, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। किसके साथ आई तू? किसके साथ आई तू?